आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी गादर वासियों के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं, कैसे आइए जानते हैं गादर के निवासियों से। काहे कि आंगनबाड़ी नहीं है ना, तो बच्चा मन शिक्षा से वंचित होते और वहाँ जो मिलते ना पोषण आहार ओकर से भी वंचित थे, एकर से बच्चा मन की हेल्थ भी नहीं बन पाते और जितना भी सुविधा मिलते आंगनबाड़ी में कुछ भी नहीं मिल पाते। महिला मन भी परेशानी होते, जैसे टीका लगते ना 3 माह में वो भी नहीं लग पाए और रेडी टू ईट मिलते पोषण आहार वो भी नहीं मिल पाए और किशोरी बालिका वाली मन भी ओकर से संबंधित जानकारी मिल पाती, जैसे सबसे वंचित है ओकर से जानकारी मिल जाती। अच्छा, आंगनबाड़ी रतीस तका होतीस? आंगनबाड़ी रतीस तो गांव के विकास होतीस, बच्चा की विकास होतीस। आप मन के गांव में अभी वर्तमान में कितना बच्चा है आंगनबाड़ी के लिए, जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चा मन के संख्या कितना हो? 35 बच्चा है। 35 बच्चा है 0 से 5 साल। अच्छा, वो बच्चा मन का करते फिर सुबह से लेकर? खेलत रही, एती होती घूमत। अच्छा, तो ये गांव में सिस्टर आते? आते। कब कब आते? साल में कार दोबार आ जाते। तो बच्चा मतलब टीका नहीं लगे? लगते, दुबे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आते हैं। वो सरकारी हरे? हाँ। तो वो कब का बात है? पोलियो भी आ पर आते, टीका लगा पर आते, जब समय रहते ना टीका लगना रहते तब आते। अच्छा, तो गर्भवती महिला मन ला कैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना है या पंजीयन करना है ओकर लिए कैसे करते? खुद जाना पड़ते बारूका। बारूका जाते हैं? हाँ। यहाँ से कितना किलोमीटर है बारूका? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आप मन पैदल जाना पड़ता है? गांधर से पैदल? गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं? कोई ही सुविधा नहीं। वीडियो वॉलंटियर के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि गांधर में आंगनबाड़ी खुलवाने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सम्मानी जगरानी इक्का जी को उनके मोबाइल नंबर जो है 9827152457 इस नंबर पर फ़ोन करें। मैं रीना रामटेके, ग्राम गहादर, जिला गलियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।